माफिया डॉन और बाहुबली अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी पर कसा शिकंजा, बेटे उमर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। आपको बता दें कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में गुंडा बाहुबली माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने भाषण में कहा भी था कि उत्तर प्रदेश में अब माफियाओं की शासन प्रशासन के डर से पैंट गीली हो रही है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। कोर्ट ने उसके बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये वारंट MPMLF कोर्ट ने उसके खिलाफ अवैध निर्माण के केस में जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होनी है। इससे पहले बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग और शत्रु संपत्ति मामले में अलग अलग कोर्ट में पेश किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार को CBI की विशेष अदालत के सामने पेश किया गया था, तो शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर उसे MPMLF कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों मामलों में अगली सुनवाई 18 और 19 अप्रैल को होनी है। बता दें कि इससे पहले उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद पर भी शिकंजा कसा गया था। MPMLF कोर्ट ने राजू पाल अपहरण मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं हत्याकांड मामले में अतीक की पत्नी व बेटा फरार है। आपको बता दें कि अवैध निर्माण मामले में पुलिस की विवेचना पूरी हो चुकी है और पुलिस ने मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। बता दें कि इस मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के फरार होने के कारण कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की फाइल को अलग कर दिया था। कोर्ट ने मामले की अलग से सुनवाई का आदेश भी दे दिया था। ये मामला शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ है। लेखपाल सुरजन लाल ने 27 अगस्त 2020 को हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर जमीन पर कब्जा किया और उस पर अवैध निर्माण कराया था। इसी मामले में उमर अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें कि आजादी के बाद जो लोग भारत से जाकर पाकिस्तान में बस गए, उनकी संपत्तियों को भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश 10 सितंबर 1959 में जारी किया गया था। वहीं शत्रु संपत्ति के संबंध में आदेश 18 दिसंबर 1971 को जारी कर दिया गया था। देश भर में जो भी ऐसी भी संपत्तियां थी वो स्वतः शत्रु संपत्ति घोषित हो गई। चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।